मॉन्स्टर वर्स के गौर जिला यानी कि लेजेंडरी गौर जिला को किंग गिद्रा के साथ फाइट करते हुए हम देख चुके हैं। क्या होगा अगर किंग गिद्रा का सामना सीन गौर जिला से हो? क्या किंग गिद्रा लेजेंडरी गौर जिला की तरह सीन गौर जिला को आसमान में ले जाकर फेंक सकता है, या फिर किंग गिद्रा अपने ग्रेविटी बीम से सीन गौर जिला को मार देगा, या सीन गौर जिला अपने टोर्जर प्लेट बीम से किंग गिद्रा का नामो निशान मिटा देगा? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं किंग गिद्रा की। किंग गिद्रा एक स्पेस मॉन्स्टर है जिसे मॉन्स्टर जीरो भी कहते हैं, जिसे 2016 में विवेन ग्राहम ने अंटार्कटिका के बर्फ के गहराई में खोजा था। अगर हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, तो किंग गिद्रा को मास्टरवर्स के मूवी में एक एलियन बताया गया है जो स्पेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया है। इस मूवी के एशियंट मैथोलॉजी के अनुसार प्राइमोडियल एज में एक एस्ट्रॉइड में छुपकर अर्थ में आया था और ऐसे ही एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाता है। किंग गिद्रा एक स्पेस मॉन्स्टर है जिसके पावर्स और एबिलिटीज कई प्रकार के हैं। स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट। किंग गिद्रा एक ऐसा मॉन्स्टर है जो गौर जिला से काफी बड़ा है, जिसने गौर जिला को अपने पहले ही फाइट में हराया है और उसने रोडान से फाइट कर कुछ ही समय में नॉकआउट कर दिया था। आप किंग गिद्रा के स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने 99,000 टन्स के गौर जिला को उठाकर आसमान से गिरा दिया था। हाइट। गिद्रा के पंख 1092 फीट लंबा है जिसकी मदद से वह 10,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और वह स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, गिद्रा अपने इस पंख की मदद से स्टॉर्म भी बना सकता है जो इतने खतरनाक है कि एक ही झटके में बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा दे, यहाँ तक कि गौर जिला को भी गिरा सकता है। ड्यूरेबिलिटी। गिद्रा एक स्पेस मॉन्स्टर है इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसे गौर जिला के एटॉमिक ब्रेथ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। यही नहीं, उसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण किंग गिद्रा पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से हमला करने के बावजूद उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। अल्फा काल। अल्फा काल किंग गिद्रा की एक यूनिक एबिलिटी है जिससे वह दूसरे टाइटन से कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा ही हमने मूवी में देखा था जिसे किंग गिद्रा दूसरे टाइटन्स को सिटी में हमला करने के लिए कहता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन। किंग गिद्रा इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है जिससे वह और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और इस एनर्जी को वह अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए रीडायरेक्ट कर सकता है। रीजनरेशन। गौर जिला ने किंग गिद्रा के एक सर को काट दिया था जिसे किंग गिद्रा ने कुछ ही समय में रीजनरेट कर लिया था। और इस एबिलिटी की मदद से किंग गिद्रा अपनी मेमोरी और पर्सनालिटी को दोबारा पा लेता है और किंग गिद्रा मल्टीपल टाइम अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। ग्रेविटी बीम्स। किंग गिद्रा की सबसे बड़ी एबिलिटी जो उसे पावरफुल मॉन्स्टर बनाती है वह है ग्रेविटी बीम। गिद्रा अपने तीनों हेड से ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है। ये ग्रेविटी बीम इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक ही बार में पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है और गौर जिला के स्किन को डैमेज कर सकती है। गिद्रा इस एबिलिटी से अर्थ के एटमोसफियर को भी डैमेज कर सकता है। किंग गिद्रा एक स्पेस मॉन्स्टर है जो स्पेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया है। वही सीन गौर जिला एक म्यूटेंट प्रेहिस्टोरिक जीव है जो समुद्र से निकलकर पूरी सिटी को तबाह करना चाहता है। अगर हम बात करते हैं सीन गौर जिला के ओरिजिन की, तो इसकी ओरिजिन दूसरे गौर जिला से काफी अलग है। सीन गौर जिला एक ऐसा गौर जिला है जो रेडिएशन कारण म्यूटेट नहीं हुआ है बल्कि न्यूक्लियर वेस्ट को खाकर म्यूटेट हुआ है। सीन गौर जिला 1950 में टोक्यो द्वारा डंप किए गए न्यूक्लियर वेस्ट को खाकर बड़ा हुआ,
जो 60 सालों तक म्यूटेट होता गया फिर 2016 में बाहर आ गया। अगर हम बात करते हैं सिनगौर जिला के पावर्स और एबिलिटीज की, तो दूसरे गौर जिला के मुकाबले सिनगौर जिला के पास ज़्यादा पावर्स और एबिलिटीज है। सेल्फ म्यूटेशन, यह गौर जिला खुद को म्यूटेट करते रहता है, जो हमें मुई में 5 फॉर्म में दिखा। पहले फॉर्म में सिर्फ इसके पूंछ दिखाई दिए, दूसरे फॉर्म में वह जमीन में आया जिसके सिर्फ सिर और धड़ थे, जो सांप की तरह चल रहा था। तीसरे फॉर्म में गौर जिला में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, उसके 2 पैर और 2 हाथ निकल आए। लेकिन सिनगौर जिला का चौथा फॉर्म सबसे खतरनाक और पावरफुल था, बॉडी फ्लूइड। गौर जिला जब अपने सेकेंड फॉर्म में था तब उसके बॉडी से लाल कलर का फ्लूइड बाहर निकलता है, जो आसपास के कार को पिघला देता है। ड्यूरेबिलिटी, सिनगौर जिला बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिसे मानव कन्वेंशनल वेपन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मोई में जब हेलीकॉप्टर और टैंक से गौर जिला पर हमला करते हैं तो गौर जिला इस चीज को इग्नोर कर देता है। रिजर्वेशन, मुई में जब सिनगौर जिला को मोब बम के द्वारा तोर्जा प्लेट को घायल कर दिया जाता है, तब खुद के बॉडी को रिजनरेट कर लेता है। एटॉमिक ब्रेथ, इस गौर जिला का एटॉमिक ब्रेथ काफी अलग है, जो पर्पल कलर का एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जो गौर जिला का पावरफुल अटैक है जिसका रेंज बहुत ज्यादा है। सिनगौर जिला का एटॉमिक ब्रेथ इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक जगह पर खड़े रहकर पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। यही नहीं, गौर जिला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने से पहले अपने मुंह से एक तरह का फायर छोड़ता है, जिससे आसपास पूरी तरह तबाही मच जाती है। टोर्जर प्लेट बीम, गौर जिला अपने टोर्जर प्लेट से एटॉमिक ब्रेथ की तरह एक तरह का बीम छोड़ता है, जिसकी मदद से गौर जिला ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि गौर जिला इस रे को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण उसको अपने मूविंग टारगेट पर ज़्यादा एनर्जी खत्म नहीं करनी पड़ती। सिनगौर जिला अपने मुंह और टोर्जर प्लेट से रे छोड़ने के अलावा अपने पूछ से भी रे छोड़ सकता है, जिसके कारण गौर जिला अपने मल्टीपल एनिमी पर एक साथ अटैक कर सकता है। ये रे बहुत ही नैरो और फोकस रे है, जो टारगेट को सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि उसका नामो निशान ही मिटा देती है। फिजिकल एडॉप्शन, सिनगौर जिला अपनी जरूरत के हिसाब से अपने बॉडी को बदलता रहता है। जब आर्मी उस पर एयर अटैक करती है तो वह एटॉमिक रे डेवलप करता है, जिसे वह अपने माउथ और टोर्जा प्लेट से छोड़ता है, और इतना नहीं मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए अपने टेल से शूट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा गौर जिला मूवी में अपने आप को बदलता रहा। सिनगौर जिला का एक और यूनिक एबिलिटी है, जिसे फेस्ट अरे रडार कहते हैं, जिसकी मदद से वह टारगेट को बिना देखे यह जान जाता है कि हिट कहाँ करना है, जिसकी मदद से वह एयरक्राफ्ट को आसानी से शूट कर पाया था। किंग गिद्रा और सिनगौर जिला दोनों पावरफुल काइजू है, जो अपने अपोनेंट का मुंह तोड़ सकते हैं। सिनगौर जिला ने किसी भी काइजू से फाइट नहीं किया है, जो हमें मूवी में अपने एबिलिटी से कुछ ही समय में पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करते नजर आ रहा था। वही किंग गिद्रा ने गौर जिला को अपने पहले फाइट में हरा दिया था और उसने रोडान को कुछ ही समय में नॉकआउट किया है। किंग गिद्रा ने गौर जिला को उठाकर आसमान से फेंक दिया था, इससे तो पता चल जाता है किंग गिद्रा का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है। किंग गिद्रा ऐसा मॉन्स्टर है जिसे गौर जिला के एटॉमिक ब्रेथ से कुछ नहीं हुआ था और उसने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को भी सर्वाइव किया है। वहीं सिनगौर जिला को टैंक और मिसाइल से मारने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, और दोनों के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी में दोनों बराबर है। अगर हम बात करते हैं दोनों की एजिलिटी की, तो किंग गिद्रा अपने साइज के हिसाब से बहुत फास्ट है, जो बड़ा होने के साथ साथ गौर जिला से आसानी से लड़ सकता है। वहीं सिनगौर जिला बहुत ही स्लो है, इतना ज़्यादा स्लो है कि सिटी के दूसरे जगह पहुँचने से पहले आर्मी उस जगह के पॉपुलेशन को ट्रांसफर कर देती है। अब सवाल यह है कि सिनगौर जिला का एटॉमिक ब्रेथ ज़्यादा पावरफुल है या फिर किंग गिद्रा का ग्रेविटी बीम्स। सिनगौर जिला ने एटॉमिक ब्रेथ से पूरी सिटी को खड़े खड़े डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका एटॉमिक ब्रेथ काफ़ी फोकस और नैरो है। वहीं किंग गिद्रा ने ग्रेविटी बीम से सिटी को डिस्ट्रॉय किया है और गौर जिला को गिराया है। तो मेरे ख्याल से सिनगौर जिला का एटॉमिक ब्रेथ ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास टेल बीम और टोर्जा प्लेट बीम है,
कि गिद्रा स्ट्रेंथ एजिलिटी में आगे है, दोनों ड्यूरेबिलिटी में बराबर है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और फाइट का एडवांटेज है। वहीं सीन गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, टेल बीम है और टोर्जा प्लेट बीम है और दोनों अपने बॉडी को रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगर हम इनके साइज का कंपेरिजन करते हैं तो सीन गॉडजिला 387 फीट बड़ा है और 92 टन भारी है। वही किंग गिद्रा 1000 फीट लंबा है और 1,40,000 टन भारी है, यानी कि सीन गॉडजिला से बहुत बड़ा है। तो आखिर में विनर कौन होगा? अगर किंग गिद्रा और सीन गॉडजिला आमने सामने हो तो किंग गिद्रा अपने स्ट्रेंथ, हाइट और एजिलिटी की मदद से सीन गॉडजिला को मारने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं किंग गिद्रा का ग्रेविटी बीम सीन गॉडजिला को डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवी में किंग गिद्रा ने अपने ग्रेविटी बीम से गॉडजिला को सिर पर गिराया था। इसके अलावा किंग गिद्रा सीन गॉडजिला को उठाकर आसमान से गिरा सकता है, बिल्कुल लेजेंडरी गॉडजिला की तरह, जो कि सीन गॉडजिला बहुत ज़्यादा स्लो है और वो गिर जाने के बाद उठने में उसे दिक्कत होती है क्योंकि उसका हाथ काफ़ी छोटा है। इसी कारण जापानीज आर्मी उसके मुंह में ब्लड कोगुलेंट डाल उसे फ्रीज कर पाए थे। तो किंग गिद्रा बड़ी आसानी से सीन गॉडजिला को गिराकर उस पर ज़्यादा अटैक कर सकता है और किंग गिद्रा फास्ट है तो उसके अटैक से बच भी सकता है। किंग गिद्रा स्ट्रेंथ में आगे है, फाइट कर सकता है, उसके पास साइज का बहुत बड़ा एडवांटेज है और थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर किंग गिद्रा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सीन गॉडजिला नहीं जीत सकता। अगर सीन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ, टेल बीम या टोर्जर प्लेट बीम के मदद से किंग गिद्रा को पूरी तरह नष्ट कर दे तो वह इस बैटल को जीत सकता है। पर मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि सीन गॉडजिला का ये एबिलिटी लेजेंडरी गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स से जितना खतरनाक है, जो किंग गिद्रा को पूरी तरह खत्म कर दे, क्योंकि किंग गिद्रा के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है जो अपने बॉडी को मल्टीपल टाइम रीजनरेट कर सकता है। लेजेंडरी गॉडजिला सीन गॉडजिला को तभी मार पाया जब उसके पास न्यूक्लियर पल्स जैसी एबिलिटी थी। ऐसे में लेजेंडरी गॉडजिला किंग गिद्रा को नहीं मार सकता था। वहीं सीन गॉडजिला बहुत ही ज्यादा स्लो है और उसने अभी तक किसी भी काइजू से फाइट नहीं किया है, जो आसानी से मानव के बिछाए जाल में भी फंस जाता है। तो मेरे ख्याल से इस बैटल का विनर किंग गिद्रा होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बैटल का विनर कौन और क्यों होगा। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।